कर्मचारियों के प्रदेश में सबसे बड़े संगठन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में कर्मचारी नेताओं के आपसी अहम के टकराव और गुटबाजी के चलते अभी तक प्रदेश महासंघ के चुनाव नहीं हो पाए हैं। महासंघ के स्थापना दिवस को लेकर मंडी और बिलासपुर में शक्ति प्रदर्शन किया गया। एनआर ठाकुर गुट ने जहां बिलासपुर में महासंघ का स्थापना दिवस मनाया, वहीं शिक्षा विभाग गैर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की अगुवाई में मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का स्थापना दिवस मनाया गया। अश्विनी ठाकुर जो 20 वर्षों से शिमला में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज का ही है, जिसके चलते अब वे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि वे कहते हैं कि मैं सराज से नहीं शिमला से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं। पिछले 20 वर्षों से मेरी कर्मभूमि शिमला रही है। वहीं पर वे ये भी कहना नहीं भूलते हैं कि जिस क्षेत्र से भी मुख्यमंत्री होते हैं, कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होता है। उन्हें कहा कि उन्हें कर्मचारियों ने अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया है और वे कर्मचारियों के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें करीब 35,000 कर्मचारी हैं। उन्होंने माना कि कर्मचारी महासंघ इस समय गुटबाजी का शिकार है, जिसके चलते महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, मगर इसके लिए प्रयास जारी हैं और आपसी सहमति बनाए जाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिमला और हमीरपुर से महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब मंडी की बारी है। इस अवसर पर पूर्व कर्मचारी नेता हरीश शर्मा, रेवती शर्मा के अलावा उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा व अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे। मंडी में छोटी काशी में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। 1962 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की एक संस्था बनी, उसके बाद 1965-66 में इसे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का नाम दिया गया और उसके बाद इस महासंघ में ऐसे ऐसे अध्यक्ष बने, ऐसे ऐसे कर्मचारी नेता सामने आए जिनके सामने सरकारें भी गड़बड़ा जाती थी। उनमें से एक थे आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री मधुकर जी, जिनकी याद में या स्थापना दिवस में सबसे ज्यादा उनको सम्मान दिया जाता है। तो इसी वजह से हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने फैसला लिया कि इसलिए नहीं हो रहे कि कर्मचारी गुटों में बंटे हैं और सामूहिक प्रयास हो रहा है कि सब संगठित होकर कार्य करें और कर्मचारियों की जो मांगे हैं, डिमांडे हैं, उसके लिए कार्य करें। इस पे चर्चा हो रही है और बहुत ही जल्द फैसला आ जाएगा। महासंघ के लिए या कर्मचारियों के लिए क्या कार्य करने हैं उस पे चर्चा करेंगे। धड़े चल रहे, इस बार कोई धड़ा नहीं है, ये दावेदारी है या अपनी अपनी रेस है, अध्यक्ष पद के लिए रेस है। जिस दिन बैठ जाएगा उसके बाद सब कर्मचारी संगठित हो जाएंगे। के लिए हम सामने आए हैं और सबसे बड़ी विभाग राज्यों में जो सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, लगभग 45,000 कर्मचारी हमारे विभाग में है, उससे हम जुड़े हैं और हमारे हमेशा चुनाव होते हैं। बाय बेल्ट हम जीत के आए, हम किसी की तरह नहीं कि कोई संघ बना दे या किसी संस्था के नाम से उछले। हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं हम कर्मचारियों के सहयोग से, वो आप ये भीड़ देख रहे हैं, तब तक तो हर तीसरा आदमी, कुछ लोग तो बंद कमरे में भी कार्यकारिणी बना देते हैं, क्या वो भी मान्य होगी? तो इसको तो राज्यों का कर्मचारी जानता है कि स्थिति क्या है और सच क्या, वास्तविकता क्या है। मैं जिला शिमला से चुनाव लड़ता था, वर्ष 2001 में मैंने शिमला से चुनाव लड़ा विभागीय संगठन का, मैं जीता। तीन चुनाव लड़े, तीनों चुनाव में मैं जीता। जन्म मेरा सराज का है, नौकरी मेरी शिमला की है। ये तो लोगों को भाना चाहिए कि सराज का है। सराज ने कब सोचा था कि सराज को क्या मिलने, सराज में दम है, सराज में काबिलियत है, तब सराज सामने आ रहा है। मैं कर्मचारी शिमला का हूँ, मैं सराज का नहीं हूँ। अध्यक्ष रोडू का होता था, आदरणीय धूमल जी रहे तो प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर से होता था, गोपालदास वर्मा जी रहे रामपुर से थे, अब बारी मंडी की है।